Hello everybody, welcome to my class. So today I have selected the topic of bacteria, and in this class I'll be talking about the history, structure, shape and functions of bacteria. और आपके लिए कुछ सरप्राइज भी है. एट द एंड ऑफ दिस क्लास मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ और दो तीन न्यू नई बातें भी बताने वाली हूँ अबाउट बैक्टीरिया, जो नए डिस्कवरीज हुए हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग एक दो पॉइंट्स बताऊँगी आपको. सो क्लास के एंड तक रहिएगा और लेट्स स्टार्ट द क्लास. एंड ये क्लास सबके लिए है, एवरीबडी कैन सी टूडेज क्लास एंड दे कैन नो अबाउट बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है उसकी, उसका फंक्शंस क्या है, वो हार्मफुल है कि वो यूज़फुल है, बेनिफिशियल है, क्या है ये बैक्टीरिया. चलिए आज का क्लास जो है वो इंट्रोडक्टरी या फिर प्रिलिमिनरी क्लास भी बोल सकते हैं. आज हम बेसिक बात करेंगे, बेसिक चीज़ें बात करेंगे अबाउट बैक्टीरिया. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया. तो आपको पता है जो पीरियड था ना 1860 से लेकर 1910 तक, इस पीरियड को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट काम हुए थे, जो डिस्कवरीज हुए थे, वो सारे इस पीरियड में हुआ था. बहुत सारे डिस्कवरीज हुए थे. तो बेसिकली आज मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट बैक्टीरिया और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात करेंगे. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, नाम से पता चलता है, माइक्रो एंड ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल और ऑर्गेनिजम्स ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो जिसको हम डायरेक्टली निकट आई से नहीं देख सकते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि फंगस में आप मशरूम्स देख सकते हैं, है ना, फिर आपका ईस्ट देख सकते हैं ब्रेड में. तो कुछ कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, बट मैक्सिमम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसे हम निकट आई में देख नहीं सकते. वी नीड टू आप उसको कल्चर करके देख सकते हैं या फिर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आप उसको देख सकते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो बहुत ही स्मॉल टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे ऑल अराउंड अस, हमारे एनवायरनमेंट में वो पूरा प्रेजेंट है, फैला हुआ है. सो माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे यूजेस भी है, वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, वो हार्मफुल भी हो सकते हैं. तो ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है, आपका बैक्टीरिया आता है, फंगी आता है, एल्गी आता है, प्रोटोजो आता है. सो टुडेज क्लास इज ओनली अबाउट बैक्टीरिया. आज का क्लास में मैंने सिर्फ बैक्टीरिया को चूज़ किया है. सो वील टॉक अबाउट बैक्टीरिया. सो बिफोर मूविंग ऑन टू दैट वील टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, कुछ कुछ बातें अबाउट माइक्रोऑर्गेनिजम्स, उसके बाद आई विल गो ऑन टू द बैक्टीरिया पार्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसमें 1860 से 1910 तक का जो पीरियड है उसको कहा जाता है, इस एरा को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. और आपको पता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, वो है एंटन वॉन लीवेनहॉयक. ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द बैक्टीरिया. वो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने बैक्टीरिया को डिस्क्राइब किया था और उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है. ओके, फिर हम बात करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन सिस्टम. सो आर एच वाइटेकर एक जो इंसान थे, उन्होंने क्या किया, 1969 में उन्होंने जितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने सारे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने फाइव किंगडम में क्लासिफिकेशन किया था. ही गेव अस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. और उनमें क्या क्या था, तो फाइव किंगडम में मैं आपको दिखाती हूँ विद द हेल्प ऑफ, लिख के बताती हूँ मैं आपको. सो ओके, व्हाट आर द फाइव किंगडम्स उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने He gave us five kingdoms. Okay. So he gave us five kingdoms. Okay. So five kingdoms कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर आपका फंजी, फिर प्लांटी, और लास्ट में आपका था एनिमेलिया, मतलब एनिमल किंग. ओके, एनिमल किंगडम. सो बेसिकली ही गिव अस फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम ही डिस्क्राइब, ही क्लासिफाइड दी ऑर्गेनिजम्स इनटू फाइव किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटे और एनिमेलिया. मोनेरा बैक्टीरिया के लिए था. ठीक है, तो उन्होंने बैक्टीरिया को, जितना बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन था, उन्होंने सारे बैक्टीरिया पार्ट को उन्होंने मोनेरा में डाल दिया था. तो दिस वॉज गिवन बाई आर एच वाइटेकर. ठीक है, तो लेकिन उसके बाद क्या था, कार्ल वोस, एक और इंसान थे कार्ल वोस, उन्होंने 1978 में उन्होंने थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि तीन आपका किंगडम है. क्या क्या था आपका, आपका था आर्की था. ओके, फिर आपका क्या था, आपका यूकेरिया था,
और तीसरा आपका क्या था, आपका था आर्किथा, यूकेरिया था, और आपका था बैक्टीरिया। ठीक है, मिनट। सो पहला आपका था बैक्टीरिया, सेकंड था आपका आर्की, थर्ड था आपका यूकेरिया। तो ये जो तीनों पार्ट था इन्होंने डाल दिया था यूकेरिया में। ठीक है, और आपका जो बैक्टीरिया और आर्की था, इसको उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया में वो सारे ऑर्गेनिजम्स थे जिनका, जिनके लेयर में आपका पेप्टिडोग्लाइकन था। ओके, और जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास, जिन बैक्टीरिया के पास आपका पेप्टिडोग्लाइकन नहीं था। बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, वो जो आपका आपका जो सेल वॉल जो है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसमें एक उसका उसको एक कॉम्पोनेंट होता है। ओके, सो बेसिकली बैक्टीरिया कंटेन्स इन इट्स सेल वॉल, इट कंटेन्स अ कॉम्पोनेंट नोन एज पेप्टिडोग्लाइकिन। तो जिन बैक्टीरिया के पास पेप्टिडोग्लाइकिन था, इट केम अंडर द बैक्टीरिया बैक्टीरिया ग्रुप किंगडम, और जिनके पास जो लैक करते थे पेप्टिडोग्लाइकिन, इट केम अंडर द आर्की ग्रुप। ओके, सो बेसिकली बैक्टीरिया, आर्की एंड यूकेरिया, उन्होंने ये तीन डोमेन दिया था, क्लासिफिकेशन डोमेन, जिसको अभी तक माना जाता है। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया। बेसिक चीज़ें हैं, और भी बहुत कुछ है जो हम बाकी दूसरे क्लासेस में इसको बताएंगे अबाउट, व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर माइक्रोब्स। सेकेंड विल कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, तो हियर विल टॉक अबाउट द कि बैक्टीरिया कहाँ रहता है, इसका साइज क्या है, शेप क्या है, ऑल दिस थिंग्स। सो पहले हम बात करेंगे अबाउट लिव्स इन। ओके, मतलब उसका घर क्या था, हैबिटेट क्या था बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया क्या हो रहा है, बैक्टीरिया स्टे, बैक्टीरिया ऑल अराउंड अस है। ओके, इट इज़ प्रेजेंट इन सॉइल, इट इज़ प्रेजेंट इन वाटर, इट इज़ प्रेजेंट इन द एयर, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, हर जगह पे बैक्टीरिया है। जितने आपके जो एनवायरनमेंट, जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स हैं, वहाँ भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, चाहे बहुत ठंडी हो, बहुत गर्मी हो। ओके, एसिडिक एनवायरनमेंट हो, अल्कलाइन एनवायरनमेंट हो, हर जगह पे, एवरीवेयर बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। ओके, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो बेसिकली बैक्टीरिया कहाँ कहाँ होता है आपका, हर जगह पर। सो यू कैन राइट सॉइल, वाटर, एयर, प्लांट्स, ओके, एनिमल्स, एवरीवेयर, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स, तो हर जगह पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट आते हम साइज के बारे में, व्हाट इज द साइज ऑफ बैक्टीरिया। तो बेसिकली साइज ऑफ बैक्टीरिया क्या है, 0.3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक का साइज में होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अबाउट द लार्जेस्ट बैक्टीरिया, तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया हैज़ बीन फाउंड टू बी अराउंड 1 सेंटीमीटर। वो इतना, इट हैज़ गॉन अराउंड 9000 माइक्रोमीटर तक गया है। तो बेसिकली जो बैक्टीरिया का साइज होता है, इट्स अराउंड 0.3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर। अगर हम एग्जांपल बात करें, वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ इकोलाई। इकोलाई में क्या है आपका, इकोलाई का जो साइज है आपका 2 माइक्रोमीटर है उसका लेंथ। ठीक है, तो बेसिकली इकोलाई आपका रॉड शेप्ड है, तो ये जो लेंथ है ये 2 माइक्रोमीटर है, और ये क्या है, 0.5 माइक्रोमीटर, इसे माइक्रॉन्स भी कहा जाता है। ओके, सो जस्ट मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है। और अगर हम कॉकेशियन बैक्टीरिया की बात करेंगे, तो बेसिकली उसका कितना होता है आपका, अराउंड 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया है, बेसिक एग्जांपल दिया है। सो दिस इज अबाउट द साइज। शेप क्या है, ओके, शेप जो है बैक्टीरिया का, इट कैन बी ऑफ 4 शेप्स। ओके, 4 शेप के हो सकते हैं। पहला है, जैसे मैंने आपको बताया पहले में, एक है आपका रॉड शेप्ड, इसे बिल्कुल इजीली लीजिए, इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, इजी भी है, देखिए ये है आपका रॉड शेप बैक्टीरिया, सिलिंड्रिकल शेप के टाइप होता है। ओके, सेकेंड है आपका कॉकाई शेप, मतलब स्पेरिकल शेप, राउंड शेप भी बोल सकते हैं। थर्ड है आपका स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। ओके, फोर्थ है आपका कोमा शेप बैक्टीरिया। तो देर आर 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। आपका है रॉड शेप, रॉड शेप में आपका क्या आ सकता है, स्टेफाइलोकॉकस, बेसिलस बैक्टीरिया। ओके, बेसिलस जो बैक्टीरिया है वो आपका रॉड शेप में आएगा। जो कॉकाई शेप में, वो आपका स्ट्रेप्टोकॉकस है, स्टेफाइलोकॉकस है। ओके, फिर आपका स्पाइरल शेप है, स्पिरुला, और लास्ट है आपका कॉमा शेप में क्या है, विब्रियो बैक्टीरिया। ओके, सो दीज आर ऑल सम एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया, और ये शेप्स ऑफ बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बिल्कुल प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल से डिफरेंट है। ओके, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताऊंगी इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमें पता है कि आपका ह्यूमंस में, एनिमल्स, प्लांट्स में डीएनए होता है, आरएनए, ओके, तो जेनेटिक आरएनए होता है, तो बैक्टीरिया में भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है।
तो वो क्या होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लूप बोल सकते हैं, या फिर इट इज लाइक दिस ओके न्यूक्लियॉइड, इसको न्यूक्लियॉइड भी कहा जाता है क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ओके प्रॉपर वेल शेप न्यूक्लियस नहीं होता है, ओके सो इट इज बेसिकली इट इज लाइंग लूजली, ओके लूज स्ट्रक्चर है वो, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर में आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, इट्स अ सिंगल लूप लाइक डी लूप ऑफ डीएनए, ओके। नेक्स्ट आपका एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स, तो आपका बैक्टीरिया में कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल प्लास्मिड होता है, प्लास्मिड क्या है, एक सर्कुलर डीएनए है, ओके ये एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है अदर देन द मेन डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया, तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन होते हैं, ओके ये भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें होता है लेकिन वो कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि प्लास्मिड आपका यूज़ कहाँ पर होता है, जैसे कि इसका इट इज़ यूज एज अ वहीकल, अगर आपको कुछ फॉरेन डीएनए आपको आपको ट्रांसपोर्ट करना है एज अ वहीकल, वहीकल क्या करता है, कैरी करता है, राइट तो बैक्टीरिया में अगर आपको कुछ फॉरेन डीएनए इंसर्ट करना है, कुछ बाहरी आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये काम आता है प्लास्मिड, ओके तो इसलिए क्या करता है, वो एक एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है उसे कैरी करता है, ओके इट कैरीज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर आपको किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ओके किसी रेजिस्ट करना है किसी एंटीबायोटिक को, तो उसके लिए अगर कुछ चाहिए तो जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ जो भी है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है, फिर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ जो है, या फिर जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है एक्स्ट्रा कुछ जो है, वो आपका प्लास्मिड इट इज़ यूज एज अ वहीकल टू कैरी दैट इन्फॉर्मेशन, तो ये कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होते हैं आपका बैक्टीरिया में। रिप्रोडक्शन, हाउ डू द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन, ओके बाइनरी फिशन से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जनरली यही होता है आपका। इसमें क्या होता है, जब आपका बैक्टीरियल जो सेल होता है इसके अंदर जो आपका डीएनए होता है, ओके डीएनए क्या होगा, इट विल रेप्लीकेट इनटू टू, ओके टू कॉपीज रेप्लीकेट होगा एंड आफ्टर दैट ये जो बैक्टीरियल सेल है ये भी आपका रेप्लीकेट हो जाएगा इनटू टू और बिल्कुल आइडेंटिकल होगा टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट बैक्टीरियल सेल, ओके तो ये है बाइनरी फिशन। फिशन मतलब क्या है, ब्रेक होना, और बाइनरी मतलब टू, तो जब टू कॉपीज पे ब्रेक हो जाता है तो उसे कहते हैं बाइनरी फिशन, ओके। लास्ट आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म, हाउ डू बैक्टीरिया सर्वाइव। अब आप सोच रहे होंगे ना कि कभी कभी हम मेडिसिन लेते हैं तब भी हम बीमार पड़ जाते हैं, या फिर जब हम बैक्टीरिया को कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनको चाहे आप जितना भी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट दो, जितना भी आप उसके आप प्रोटेक्ट करना चाहो वो बैक्टीरिया आपको हार्म कर ही देगा, क्योंकि और नहीं तो वो बैक्टीरिया खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। हाउ डज इट डू दैट, विद द हेल्प ऑफ एंडोस्पोर्स, ओके तो कुछ बैक्टीरिया है उसमें एंडोस्पोर्स होते हैं, उनमें एंडोस्पोर्स क्या करते हैं, इट विल प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया, इट विल रेजिस्ट इट, जो बैक्टीरिया का जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है आउटसाइड में वो उस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द आउटसाइड एन्वायरमेंट, उसको क्या करेगा नॉर्मली, वो क्या होता है वो डॉर्मेंट होता है, ओके इट इज़ नॉट इट इज़ डॉर्मेंट मतलब वो एक्टिव नहीं होता है, लेकिन जब कोई ऐसा एन्वायरमेंट आता है जिसमें बैक्टीरिया को बैक्टीरिया को खुद को प्रोटेक्ट करना है तो वो एंडोस्पोर क्या करते हैं, इट बिकम्स एक्टिव और वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, वो कोट कर लेते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ओके सो दिस इज एंडोस्पोर्स। एग्जाम्पल है जैसे कि आपका बेसिलस एंथ्रेक्स, ओके तो एंथ्रेसिस, तो वो एंथ्रेक्स आपको पता है एंथ्रेक्स जो डिजीज होता है जो कॉज करते हैं बेसिलस एंथ्रेसिस, वो दैट बैक्टीरिया हैज़ द कैपेसिटी द एबिलिटी टू फॉर्म दिस प्रोड्यूस एंडोस्पोर्स, ओके तो ये है वन सर्वाइवल मैकेनिज्म। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है अब हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है सो स्ट्रक्चर क्या है, ये आपका बैक्टीरिया, ठीक है तो बैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन है, ओके तीन मेम्ब्रेन है उसके पास, पहला तो आपका है आपका ये आपका मेम्ब्रेन नॉर्मल जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है, ओके सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद ये पहला है आपका सेल मेम्ब्रेन, ओके सेकेंड जो है इसको क्या बोलते हैं सेल वॉल, ओके बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, थर्ड उनमें क्या होता है आपका एक और प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसे कहा जाता है कैप्सूल, ओके यह कैप्सूल ये बैक्टीरिया को रेजिस्ट करने में हेल्प करता है फ्रॉम दी एंटीबायोटिक्स या कुछ भी बाहरी जो आपका जो भी है जो बैक्टीरिया जिससे बैक्टीरिया हार्म हो सकते हैं, या फिर ये आउटर कवरिंग होता है बैक्टीरिया का, ठीक है फिर आपका सेल वॉल है, सेल वॉल में आपका क्या है पेप्टिडोग्लाइकेन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अबाउट पेप्टिडोग्लाइकेन, तो बेसिकली यहाँ पे होता है
ओके, यहाँ पे पेप्टिक ग्लाइकन होता है आपका, तो ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। अंदर में क्या होता है, यहाँ पे लूजली पैक्ड डीएनए। रिमेंबर कि बैक्टीरिया में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ओके, द डीएनए इज लाइंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, तो इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म, और इसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। यहाँ पे क्या होगा, प्लास्मिड, जो मैंने कहा था एक्स्ट्रा डीएनए, जो मैंने कहा था ना वो प्लास्मिड। अच्छा, प्लांट सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, और बैक्टीरिया और एनिमल सेल में भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया सेल, जो प्लांट और एनिमल सेल्स में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन जो बैक्टीरियल सेल्स में उनमें सिर्फ क्या होता है, राइबोसोम्स। ओके, दे हैव ओनली वन ऑर्गेनल एंड दैट इज राइबोसोम्स। ये क्या करते हैं, ये हेल्प, दिस हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, याद रखिएगा चीज़ टू। ऑल्सो दे कंटेन सम इंक्लूजन बॉडीज, कुछ कुछ छोटे छोटे बॉडीज हैं, तो ये क्या है, दिस आर बेसिकली प्रोटीन एग्रीगेट्स। ओके, ये प्रोटीन एग्रीगेट्स हैं, तो ये है आपका राइबोसोम्स। अच्छा, बैक्टीरिया के पास क्या है आपका, फ्लैजेला, जिसके जिसके लाइक जिसे वो यूज़ करता है फॉर मूवमेंट। ओके, इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। बैक्टीरिया में पिलाई भी होता है, ओके, सो इसके थ्रू भी वो मूव करते हैं। ओके, कैप्सूल का मैं कुछ और फंक्शंस बताती हूँ आपको। जो कैप्सूल है ना, क्या होता है, जब बैक्टीरिया मूव करता है ना, तो इट हैज़ टू अटैच, और इट हैज़ टू एडेर और अटैच टू द सर्फेसिस। तो जब वो मूव करेगा ना, तो उसे अटैच करना होता है, जैसे कि जब हम मूव करते हैं, हम तो फ्लोर में टच करते करते मूव करते हैं ना, तो बैक्टीरिया जो मूव करते हैं, अगर उसको किसी सर्फेस में जाके बैठना है, कहीं पे एडेर करना है, तो वो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ कैप्स्यूल इट विल गो एंड एडेर टू द सर्फेसिस। ओके, तो ये भी एक और फंक्शन आपका कैप्स्यूल का। ओके, और जो पिला है, ये क्या था मैंने बताया आपको, फॉर द मूवमेंट, बैक्टीरिया का जो मूवमेंट होता है, मोटिलिटी होता है, ओके, उसका एक मूवमेंट के लिए हेल्प होता है पिले, और फ्लैजेला भी मूवमेंट के लिए हेल्प हेल्प होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, आई होप आपको समझ में आया हो। ये आपका साइटोप्लाज्म, मैंने आपको बताया होगा ये साइटोप्लाज्म है, और इसमें ये सब रहते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द क्लासिफिकेशन पार्ट, तो हाउ डू वी क्लासीफाई बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के बहुत सारे क्लासिफिकेशन, आपके इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन टेक्निक्स हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन। तो बेसिकली अगर न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, टू टाइप का होता है। व्हाट आर दे, वन इज द ऑटोट्रॉफिक और नंबर टू आपका हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है। ओके, सो ऑटोट्रॉफिक में आपका क्या आएगा, एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल आ सकता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया इज़ वन एग्जाम्पल। और अगर हम बात करेंगे अपन हेटरोट्रॉफिक, तो जैसे कुछ कुछ बैक्टीरिया है ना जो डिजीज़ कॉज करते हैं, तो डिजीज़ क्यों कॉज करते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिशन गेन करना चाहते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स गेन करना चाहते हैं अपने होस्ट से। तो दोज टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच कॉजेज डिजीज और विच आर पैथोजेनिक, दे आर कमिंग अंडर द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ये पहला। नंबर टू है बेसिस ऑन द शेप। शेप में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था चार टाइप के शेप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट बैक्टीरिया भी क्लासीफाई हो सकते हैं। ओके, देन विल कम फॉर द ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कॉम्पोनेंट। ओके, सेल वॉल में कॉम्पोनेंट के हिसाब से दो टाइप के हैं अगेन। एक है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका जो क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी आज, क्योंकि आज मैं सिर्फ बेसिक्स बता रही हूँ, लेकिन सबको समझ में आए इसके बारे में, मैं एक और क्लास लूँगी जहाँ पे मैं इस डिटेल्स पे मैं कवर अप करूँगी। ओके, सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकिन रहता है। ओके, पेप्टिडोग्लाइकिन उसमें रहते हैं एज अ सेल कॉम्पोनेंट। और जो ग्राम नेगेटिव है उसमें क्या होता है, लाइपो पॉलीसेक्राइड। ओके, एलपीएस भी कहा जाता है इसको। तो ग्राम नेगेटिव में क्या क्या है आपका, इकोलाई है। ओके, एग्जांपल पेप्टिडोग्लाइकन में आपका क्या है,
बेसिलस। ओके सो आपको समझ में आया होगा ये वाला पार्ट। ओके सॉरी कॉल आ रहा है मेरा तो। ओके एनीवेज सो ये है आपका, इसमें हम आपको समझ में आया होगा अबाउट दिस। इसमें आपका कुछ और एग्जांपल्स जैसे कि स्ट्रेप्टो कॉकस है आपका इसमें। ओके सो ये कुछ एग्जांपल्स है ऑफ द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है ओके कुछ कुछ बेसिलस। ओके नॉट ऑल। ओके सो नंबर फोर्थ में हम आते हैं बेस्ड ऑफ रेस्पिरेशन। ओके सो बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन भी आपके टाइप्स है जैसे कि कौन कौन से हैं। एक है आपका एनारोबिक और एक है आपका एरोबिक। ओके एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें हेल्प जो हेल्प करता है वो आपका आता है रेस्पिरेशन आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि एग्जांपल है आपका क्लॉस्ट्रिडियम। और जो आपका एरोबिक है वो है आपका बेसिलस एग्जांपल। ओके रेस्पिरेशन में भी बहुत टाइप्स हैं जैसे आपका ऑब्लिगेट है फैकल्टेटिव है। ओके सो ऑब्लिगेट क्या है जो स्ट्रिक्टली वो ही होता है। जैसे कि अगर ऑब्लिगेट एरोबिक है तो स्ट्रिक्टली वो एरोबिक होगा और अगर फैकल्टेटिव एरोबिक है तो मतलब क्या है कि वो एन एरोबिक होता है लेकिन कभी कभी एनवायरमेंट के डिमांड पे वो आपका एरोबिक भी हो सकता है। सिमिलरली अगर वो एन आपका ऑब्लिगेट एनारोबिक हुआ तो बेसिकली वो स्ट्रिक्टली एनारोबिक होगा और अगर वो फैकल्टेटिव एनारोबिक होगा तो मतलब है कि वो बेसिकली एरोबिक होता है लेकिन वो जब सिचुएशन डिमांड करेगा एनवायरमेंट डिमांड करेगा तो इट कैन ऑल्सो बी एनारोबिक। सो ये आपका अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो बैक्टीरिया आपको हेल्प करते हैं ऑन बेसिस ऑफ दिस प्रोसेस ऑल्सो दो टाइप के होते हैं। एक है आपका क्लॉस्ट्रिडियम एक है आपका बेसिलस। क्लॉस्ट्रिडियम आपका आएगा एनारोबिक में और एरोबिक में आएगा आपका बेसिलस। दिस इज ऑल द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके न्यूट्रिशन शेप सेल वॉल और रेस्पिरेशन ये फोर ऑन द बेसिस ऑफ दिस फोर फैक्टर्स क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट आपका रोल ऑफ बैक्टीरिया बेनिफिशियल एंड पैथोजेनिक। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन मैं जितना बताऊँ कम होगा क्योंकि बहुत कुछ है इसके बेनिफिशियल रोल और पैथोजेनिक रोल। तो मैं आई ट्राई टू कवर अप सम इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके ये हम अपने बेसिक लाइफ में देख सकते हैं बेनिफिशियल रोल में। आप कर्ट खाते होंगे राइट तो जो कुछ कुछ तो एक बैक्टीरिया ओके बैक्टीरिया के दो पार्ट है बेनिफिशियल और पैथोजेनिक। सो पहला एग्जाम्पल हम दे सकते हैं अबाउट वेरी सिंपल एग्जाम्पल है जैसे कि हम कर्ड खाते हैं तो मिल्क आपको पता होगा कि मिल्क से हम कर्ड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया। ओके तो यहाँ पे ये एक यूज आ गया इसका एक रोल आ गया कि इट हेल्प्स इन द फर्मेंटेशन ऑफ सम फूड। फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं एंड ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ सम फूड्स। ओके जैसे कि यहाँ पे आ गया कर्ड। फिर और क्या क्या है फर्मेंटेड फूड तब क्या 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 है सोया है ना। फिर आपका और क्या क्या है आपका योगर्ट बहुत कुछ है। तो फर्मेंटेड फूड्स में ये काम आते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड्स। और क्या क्या बेनिफिशियल रोल है आपका फॉर द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ओके एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन ले लेते हैं इसमें नाइट्रोजन एसिमिलेशन। और कहाँ कहाँ हेल्प होता है ये इट ऑल्सो हेल्प्स इन बायो कंट्रोल प्रॉपर्टीज होते हैं उनमें। जैसे कि वो क्या करते हैं प्लांट्स को कभी कभी प्लांट्स कुछ कुछ प्लांट्स हैं जिसको कुछ कुछ पैथोजेंस है मतलब कुछ कुछ बैक्टीरिया है जो हार्म करते हैं कुछ फंगस है जो हार्म करते हैं एक प्लांट को। तो ये जो कुछ कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं वो क्या करते हैं इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट। ओके वो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके इट प्रोवाइड्स डिफेंस टू द प्लांट तो उनमें बायो कंट्रोल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। और क्या होता है एग्रीकल्चर में हेल्प होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स। ओके ओके आपका इंडस्ट्रीज में यूज होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ वाइन फिर रम ब्रांडी बहुत कुछ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी वो हेल्प करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिशियल रोल। ओके और बहुत कुछ है मैंने अभी कुछ बताया है। फिर आपका पैथोजेनिक क्या क्या है पैथोजेनिक
पहला बात क्या करते हैं वो डिजीजेस, ओके, इट कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड ऑल्सो इन ह्यूमंस. नंबर टू वो क्या करते हैं, इट डैमेजेस द क्रॉप्स, क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं. नंबर थ्री, ओके, डिजीजेस क्या क्या आएंगे इसमें, आपका क्या क्या आ सकता है इसमें, टाइफॉइड है ना, फिर क्या क्या है आपका, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ओके, दिस आर सम ऑफ द पैथोजेनिक रोल ऑफ द बैक्टीरिया. ठीक है, अच्छा, बेनिफिशियल में एक और है, ये हमें हमारे जो इंटेस्टाइन है ना वहाँ पे भी कुछ कुछ गट बैक्टीरिया जो बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट एज गट इन इनसाइड द गट, और इट हेल्प्स इन डाइजेशन प्रोसेस, बहुत कुछ प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं. एटलीस्ट वो क्या करते हैं उसे, वो इट विल एक्ट एज अ क्या कहते हैं उसको, इन्हेंस करते हैं, इट इन्हेंसेज द डाइजेशन प्रोसेस, ओके, इट विल हेल्प, इट विल इनिशिएट और एनहेंस द प्रोसेस, ओके, तो उसमें भी हेल्प कर सकते हैं ये बेनिफिशियल में. और पैथोजेनिक रोल्स में ये सब डिजीज है, क्रॉप्स डैमेज है, इन्फेक्शन कॉज करते हैं. ठीक है, तो दिस आर द पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज और पैथोजेनिक रोल ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, ओके, नाउ वेलकम टू द सम फन फैक्ट्स. ओके, कुछ फन फैक्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है. तो जैसे मैंने बताया आपको, साइज बताया था बैक्टीरिया के बारे में, तो अगर मैं बात करूँगी अबाउट स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ओके, सो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो क्या, कौन से हैं, माइकोप्लाज्मा, इट्स अ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, और इसका साइज अराउंड 0.3 माइक्रोमीटर का होता है. और लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है आपका, थायो मार्गरिटा मैग्निफिका, इसका साइज अराउंड 1 सेंटीमीटर, जस्ट इमेजिन 1 सेंटीमीटर, 9000 माइक्रोमीटर के माइक्रोमीटर का उसका साइज होता है, तो इट्स अ लार्जेस्ट बैक्टीरिया. ओके, तो ये है कुछ बेसिक जीके फैक्ट्स ऑन दिस स्मॉल एंड लार्जेस्ट बैक्टीरिया. नेक्स्ट वील कम टू दिस, देयर आर टू, ओके, 2023 में आपका दो टाइप के और बैक्टीरिया का डिस्कवरी हुआ है. ओके, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो मैंने आपको कहा था, कुछ सरप्राइज है या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताने वाली हूँ मैं आपको, यही है. तो 2023 में एक मेराइन जो आपका डेप्थ ऑफ द सी, ओके, कोल्ड सी में, कोल्ड वाटर में आपका एक नया बैक्टीरिया मिला गया, फाउंड, डिस्कवरी हुआ है, मेराइन बैक्टीरिया. ओके, ये न्यू स्पीशीज है, इसका नाम क्या आपका, पॉरीफेरिस्पेरा हेटरोट्रोफिसिस. देखा गया था कि इस बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है कुछ नया ही बर्डिंग प्रोसेस था उसका, और बेसिकली उसका फंक्शन क्या था, वो वायरस रिलीज करता है. ओके, इट रिलीजेस वायरस फॉर नाइट्रोजन एसिमिलेशन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है कि बैक्टीरिया आपका हेल्प होता है फॉर न्यूट्रिएंट को एसिमिलेट करने के लिए, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में वो हेल्प करता है. तो ये एक नया स्पीशीज मिला गया है मेराइन में या फिर कोल्ड सी में, जिसका ये नाम है, और ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इट विल फैसिलिटेट द एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन. और नेक्स्ट है आपका विब्रियो वल्निफिकस, ये भी एक नया बैक्टीरिया है जो कि रिसेंटली फ्लोरिडा में बहुत सारे केसेस हुए हैं. इसे फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है. जरा सोचिए, फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया, ये कैसे, ये क्या करता है, अगर आपको कुछ वूंड हुआ है, कुछ कट हुआ है आपके बॉडी में, और अगर आप सी वाटर में जा रहे स्विम करने के लिए, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, आपका जो वूंड के आसपास का जो फ्लैश है उसे वो खा जाता है. इट ईट्स दोज फ्लैश. ओके, तो इससे क्या होता है, वो इंसान धीरे धीरे वो मर जाएगा, क्योंकि वो इन्फेक्शन कॉज करता है. ओके, फ्लू भी कॉज करता है, सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन कॉज करता है, एंड इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सो दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट बैक्टीरिया. आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है, डू लाइक द क्लास, प्रेस ऑन द लाइक बटन, लाइक आइकन, शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू सो मच.